हाउ टू लूज फैट। सबसे पहले मैं बता दूं कि फैट को लूज करने से ना कि आपकी पूरी वेट भी लूज होती है बल्कि आपकी ओवरऑल हेल्थ भी अच्छी रहती है। आप बहुत सारी बीमारियों से बच के रहते हो लाइक कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज एंड बहुत सारा चीज़, क्योंकि आप बहुत सारा चीज़ों को कट डाउन करते हो अपनी डेली डाइट में। तो मैं आपको 5 ऐसा टिप बताऊंगा जिससे आप अपनी वेट को, अपनी फैट को लूज कर सकते हो इजी वे में। मैं सिर्फ बताऊंगा आपको जिससे आप लोगों को आसानी हो समझने में भी। अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते होते हो। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टिप नंबर 1 इज डू कार्डियो एक्सरसाइजेस। कार्डियो एक्सरसाइज आपको करना है। अगर आपकी गोल है मसल को बिल्ड करना और आपको वेट को गेन भी करना है तो आपको सप्ते में एक बार कार्डियो इज इनफ फॉर यू। बट अगर आपकी गोल है फैट को लूज करना और वेट को लूज करना तो आपको कार्डियो कम से कम 3 से 4 बार आपको सप्ते में करना है। और कार्डियो आपको हमेशा वेट ट्रेनिंग के बाद करना है। आपको इंटेंस वेट ट्रेनिंग करना है, हाई रेप रेंज वाली वेट ट्रेनिंग्स लगाने हैं, उसके बाद आपको कार्डियो एक्सरसाइज लगाना है। कार्डियो आपको ज़्यादा भी नहीं लगाना है क्योंकि अब अगर ज़्यादा कार्डियो लगाओगे तो आप जितना मुश्किल से योर हार्ट एंड मसल जो भी बहुत मुश्किल से आप मसल जो बनाए हो वो घट जाती है, वो ख़त्म हो जाएगी। सो मसल को प्रिजर्व रखते हुए आप किस तरीके से कार्डियो करना है जिससे आप अपनी वेट को, अपनी फैट को लूज कर सको। तो कार्डियो आपको 15 से 10 मिनट से ज़्यादा नहीं करना है। और कार्डियो जब आप करो तो मैं एक सांस में 15 से 20 वर्ड अगर मैं बोल रहा हूँ तो आप एक सांस में आप 2 से 3 वर्ड से ज़्यादा नहीं बोल पाओ, उतना होता है इंटेंस कार्डियो। ऑलराइट, अब दूसरा टिप है हमारा कि आपको अपने डाइट में से शुगर और अल्कोहल कट करना होगा, क्योंकि शुगर और अल्कोहल आपकी अनवांटेड कैलोरीज बढ़ाती है, अनवांटेड फैट आता है आप में जो बहुत मुश्किल से जाती है। सो आपको शुगर, शुगरी थिंग्स, अल्कोहल और फास्ट फूड्स, आपको सारी चीज़ें दूर रखना है। टिप नंबर 3, इंक्रीज योर प्रोटीन इनटेक। प्रोटीन इनटेक को आपको इंक्रीज करना है, आपको प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। आप प्रोटीन फिश से ले सकते हो, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो फिश, एग्स, मीट, चिकन, आप इससे प्रोटीन ले सकते हो। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप चिक पीज, काबुली चना जिसको बोलते हैं, ग्राम, और आप इससे ले सकते हो चने की दाल, और आप राजमा, स्पिनिच, ये सारी चीज़ों से आप प्रोटीन ले सकते हो, टोफू, पनीर, ये सारी चीज़ों से। अब आते हैं टिप नंबर 4, कार्बोहाइड्रेट्स को डिक्रीज करना है। जी हाँ, डिक्रीज करना है ना कि खत्म करना है। कार्बोहाइड्रेट्स आपको एनर्जी देती है, अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स को पूरा जीरो कर दोगे एकदम, अगर आप डिक्रीज कर दोगे ज़्यादा तो एनर्जी नहीं मिलेगी जिससे आप इंटेंसिटी ट्रेनिंग नहीं कर पाओगे और ज़्यादा कैलोरीज को बर्न नहीं कर पाओगे। सो कार्बोहाइड्रेट्स को नॉर्मल रखो, लाइक प्रोटीन इनटेक हाई रहेगी, कार्बोहाइड्रेट उससे लो रहेगा, मतलब 3:1, 3:2 की रेशियो रहेगी, प्रोटीन ज़्यादा, कार्ब्स कम। ऑलराइट, अब चलते हैं लास्ट और फाइनल टिप्स पे, टिप नंबर 5, आपको घर पे एक्सरसाइज करना है। आपको डेली करिकुलर एक्टिविटीज़ करना है घर पे। अगर आप कहीं जा रहे हो तो आपको पैदल चल के जाना है रादर देन बाइक, तो ये सारी चीज़ आप थोड़ा सा एक्टिविटीज़ आप अपने बढ़ाना है घर पे, और घर पे रह के आप एक्सरसाइज कर सकते हो। क्वारंटीन में हो आप, कोरोना वायरस के कारण सारी चीज़ बंद है तो आप घर पे एक्सरसाइज कर सकते हो। मेरा एक प्रोग्राम है ग्रो इन लो करके, तो ग्रो इन लो वाली प्रोग्राम आप इनरोल कर सकते हो। आप मुझे DM करो इंस्टाग्राम पे, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @aman_verma_123, जिसमें आपको पूरी डिटेल में भेजूंगा ग्रो इन लो की प्रोग्राम के बारे में। वो प्रोग्राम मैं स्पेशली कस्टमाइज बनाता हूँ हर लोगों को लेके, जिसके जिसके जो जो गोल है, चाहे आपकी गोल हो वेट को लॉस करना, चाहे आपकी गोल हो वेट को गेन करना। ऑलराइट, तो आप मुझे वहां पे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने से हम और आप एक फैमिली हो जाएंगे। बेल आइकन को दबा दो, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। अगर कुछ और नया टॉपिक है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए फिट रहो, फिट दिखो, और हमेशा मुझे फॉलो करते रहो इसी तरह। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, पीस।